हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहित है और मैं M6 कमोडिटी में ट्रेडिंग करता हूँ। क्रूड ऑयल में इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ। बहुत वक्त से कोई वीडियो नहीं आई है और इसका बहुत सारे रीजंस हैं। एक रीज़न आप ये भी कह सकते हैं, जो ट्रेडिंग है वो स्टेबल नहीं थी। एक दिन SL, एक दिन टारगेट। अगर आप क्रूड ऑयल पे फोकस कर रहे हैं बहुत बढ़िया से, तो आपको पता होगा लास्ट वीक से क्रूड ऑयल एक प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर रहा है। अब कितना डल मूवमेंट हो रहा है। इवन आज की मार्केट भी अगर आपने देखी होगी, बहुत डल मूवमेंट है, बहुत ही बहुत डल मूवमेंट है। आज का डेट है 7th of July। इवन कल भी मैंने ट्रेड किया था, कल मेरा स्टॉप लॉस हुआ, आप देख सकते हैं। कल मैंने वीडियो नहीं डाली, लास्ट वीक भी मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली। ऐसा कुछ मतलब इंटरेस्टिंग बढ़िया हो ही नहीं रहा था कि कुछ वीडियो डाली जाए। लाइक एक दिन SL हो रहा था, एक दिन टारगेट हो रहा था, एक दिन SL हो रहा था, एक दिन टारगेट हो रहा था। आप समझ रहे हैं, इट वॉज टोटली अनस्टेबल। और अगर मार्केट में कोई ये कहता है कि मेरा कभी भी स्टॉप लॉस ही नहीं होता, मैं तो यही बोलूंगा उसको एक्सपीरियंस की कमी है और वो झूठ बोल रहे हैं। भाई ऐसा नहीं हो सकता। आपकी ट्रेडिंग की फेज में ऐसा वक्त जरूर आएगा कि आपका SL हो रहा है, फिर टारगेट हो रहा है, SL हो रहा है, फिर टारगेट हो रहा है। आप ग्रो ही नहीं कर रहे, और कभी कभी आपके लगातार दो दो स्टॉप लॉस भी हो रहे हैं। ठीक है, इस चीज को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए किसी भी इंसान को, क्योंकि ये मार्केट है, हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ये मार्केट है और हम लॉस को यूं ही एक्सेप्ट कर ले, ये एटीट्यूड भी नहीं चलेगा। अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसके पीछे हमें स्टडी करना भी बहुत जरूरी है कि भाई क्यों स्टॉप लॉस हो रहा है, क्यों ऐसा चल रहा है। बहुत सारी रीजंस हैं, बहुत। जैसे आप इकोनॉमिक कैलेंडर देख लीजिए, आप अगर इकोनॉमिक कैलेंडर को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि मार्केट अपने ढंग से चल ही नहीं रहा। कि कई जगह पे छुट्टियां हैं, कभी हॉलीडे पड़ रही हैं, और कभी कुछ डाटा रिलीज हो रहा है, और ऑल ऑफ सडन कुछ हो जा रहा है ना। तो काफी सारी चीजें हैं, वॉल्यूम कम है। ठीक है, तो बहुत सारी रीजंस होती हैं जिसकी वजह से मार्केट स्टेबल नहीं हो रहा है। और ऐसे फेजेस हर 3-4 महीने में सभी ट्रेडर के साथ आता है। अगर आप बहुत लंबे समय से ऐसा ट्रेड कर रहे हैं, जैसे 3 साल 4 साल, तो आप मेरी बातों से रिलेट कर सकेंगे। कोई भी ये बोल दे कि भाई मैंने 1 साल बिना किसी प्रॉब्लम के ट्रेडिंग करी है ना, मैं ये बात मान ही नहीं सकता। तो ऐसे जब कोई चीज इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा था, तो कुछ वीडियो डालने का कोई सेंस नहीं बन रहा था। इवन कल मेरा SL हुआ, आज भी मैंने कोई बड़ा सा प्रॉफिट नहीं कर लिया है। आज भी मैंने 15 पॉइंट के आसपास ही प्रॉफिट किया। आप देखेंगे कल SL हुआ 25 पॉइंट का, आज मैंने सिर्फ 9,000 का प्रॉफिट किया। आप देखें यहाँ पे कटा है, 12 पे सेल था, 97 पे एग्जिट कर लिया, 15 पॉइंट प्रॉफिट लिया, 9,000 प्रॉफिट है। ठीक है, और ये हर चीज का एक ना एक रीजन। अभी जो कोडिंग होती है, जो कोड्स के वैल्यू है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2996 का एक तीसरा सपोर्ट था। ये कोड्स होते हैं, ठीक है, ये भी काफी इसके बिना तो भाई काम अधूरा है। ठीक है, आप आज का देखेंगे 2996 का सपोर्ट है, 3 रुपए का बफर लेके चलते हैं। जैसे 2996 का सपोर्ट है तो या तो 2999 से ये ऊपर जाएगा, या 2993 तक ये नीचे आ सकता है। तो आज का आप चार्ट देखेंगे कहाँ गया। चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा 94 का लो है, ये रहा लो, 2994 का है ये सपोर्ट से, ये रिवर्स भी हुआ है आज। और पाइवोट पॉइंट था 23039 का, ये 3037 से पलट के 25 रुपये फिर नीचे भी आया है ना। मार्केट जो है बहुत डल चल रहा है, बहुत ज्यादा डल चल रहा है। आप देखिए ना, क्या मूवमेंट ही नहीं। और अब जाके इवनिंग में थोड़ी बहुत मूवमेंट आई है। ठीक है, नहीं तो सुबह से लेके शाम के 5 बज गए थे, कोई भी मूवमेंट ढंग का नहीं था। ठीक है, और अप्स एंड डाउन्स बहुत आते रहते हैं लाइफ में। खैर, अगर आपने अलाइस ब्लू के अंडर अकाउंट खुलवाया है, मेरे लिंक के अंडर आपने अलाइस ब्लू का अकाउंट खुलवाया है, जितने लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, अगर आपने अकाउंट खुलाया है तो आपको एवरी वीक एंड पे आपको मैं PDF के थ्रू एक बुक भेजता हूँ, और वो बुक को आप पढ़िए, वो आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेगा। वो बुक का बहुत अच्छा रिव्यू आया है, लोगों को काफ़ी मज़ा आया वो बुक को पढ़ने के बाद, काफ़ी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए हैं। अब मैं आपको आज कुछ चीज़ें बताता हूँ, जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों पे बेसिकली ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले तो आप इकोनॉमिक कैलेंडर देखें। और हाँ, अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम की ID है। हाँ, कल का जो लॉस था वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर भी किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब हम आ जाते हैं कि किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात, आप हमेशा एनालिसिस करते हैं तो आप सुबह उठ के पहले इकोनॉमिक कैलेंडर देखा करिए। इकोनॉमिक कैलेंडर देखने के लिए क्या करेंगे, आप गूगल पे जाइए, इकोनॉमिक कैलेंडर investing.com आप लिखेंगे। ठीक है, और कई लोगों का ये टाइमिंग मैच नहीं होगा, तो ये टाइमिंग मैच करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके आप टाइम जोन इंडिया का कर लेंगे। अब जैसे चेन्नई डाला है मैंने, चेन्नई कोलकाता मुंबई, ये इंडिया का टाइमिंग है, ऐसे करके एंटर किया, टाइमिंग आपकी इंडिया की हो गई। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे आज पूरा दिन में कितने डाटाज हैं, कितने इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखिए 22 मिनट के बाद ये डाटा रिलीज होने वाला है, ये डाटा आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है,
यूएसडी का, न्यूजीलैंड का, ठीक है, एफओएमसी की आज मेंबर की स्पीच है रात को 11:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से। अब मैं कल का आपको बताता हूँ, टुमारो अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कल कौन से डाटा है यहाँ पे देख लेते हैं। टुमारो कल का डाटा, कल क्रूड की इन्वेंट्री है तो देखते हैं 8 बजे। देखिए गैस ऑयल इंपोर्ट्स, और यहाँ पे देखिए आप 8 बजे क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री, ये रहा क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा है कल, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हमेशा आपको इकोनॉमिक कैलेंडर देखना बहुत ज़रूरी है, हर सुबह आप देखा करिए इकोनॉमिक कैलेंडर, ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दूसरी बात, एक सिंपल सा हिसाब मैं समझाता हूँ, लोग जब एनालिसिस करने बैठते हैं ना तो उनको क्या लगता है, मैंने जितनी भी चीज़ सीखा है मुझे वो सब के सब डेली यूज़ करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके पास जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं, ज़रूरी नहीं है आप सभी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो ही चीज़ अच्छा बनेगा, ऐसा नहीं होता है। ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें यूज़ किया करिए। जैसे अगर आप चीनी शुगर ओवर खा रहे हैं तो वो भी एक टाइम पे कड़वा सा लगने लग जाता है, तो ओवर भी अच्छा नहीं होता है। देखिए आज के एनालिसिस में समझा देता हूँ, आप यहाँ पे मेरा ट्रेड देखेंगे, आज मैंने यहाँ पे क्रूड ऑयल जो मैंने सेल किया था, ये मैंने किस बेसिस पे किया ये मैं आज एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको फिर से बताता हूँ, अलाइस ब्लू में अकाउंट खुलवा लीजिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, अलाइस ब्लू का लिंक होगा, आप अकाउंट खुलवा लीजिए। ₹500 अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जरूर हैं, लेकिन आपको इतने बेनिफिट्स हैं ना, एक तो मार्जिन बहुत कम लग रहा है, और सबसे स्पेशल खास बात, ब्रैकेट ऑर्डर है इसमें जो ज़ीरोधा में नहीं है। और देखिए ज़ीरोधा ऑप्स्टॉक्स के साथ मैंने काम किया हुआ है, लेकिन वो अपडेट ही नहीं कर रहे खुद को, तो मैं इंतजार नहीं कर सकता कि वो कब तक अपडेट करेंगे, इसीलिए मुझे अलाइस ब्लू में शिफ्ट होना पड़ा, ठीक है। तो अलाइस ब्लू में ब्रैकेट ऑर्डर है, कवर ऑर्डर है, मार्जिन मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। हाँ, ऑप्स्टॉक्स और ज़ीरोधा में अकाउंट फ्री में खुल रहा है, अलाइस ब्लू में ₹500 में खुल रहा है, तो इसका भी कुछ रीज़न है, ये पैसे क्यों ले रहे हैं, ठीक है। फ्री में नहीं खुलता है यहाँ पे अकाउंट, आप चाहे तो खुलवा लीजिए। और इसके अलावा मेरे साइड से भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, जैसे मैं ई बुक्स दे रहा हूँ, वो बुक्स आपको इंटरनेट पे बहुत मुश्किल से मिलेंगे। कुछ बुक्स हैं, मैं मानता हूँ कुछ बुक्स फ्रीली अवेलेबल हैं, ईजिली भी अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें से 4-5 बुक ऐसे हैं जो मिलते ही नहीं हैं, ठीक है। अगर आप अकाउंट खोलते हैं, आपका मेल आईडी मेरे पास आ जाएगा, आपको एवरी संडे वो बुक मैं आपको सुबह सुबह मेल कर दिया करूंगा, ताकि आप वो संडे को बुक्स पढ़ें, ठीक है। और सिर्फ बुक्स ही नहीं, बैंक निफ्टी के काफ़ी ट्रेड्स बेनिफिट्स आने वाले हैं। कोई भी मैं स्क्रिप्ट लेके आता हूँ ट्रेड के लिए, तो मैं अगर मैं एडवाइजरी स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं उसका ट्रायल भी देता हूँ, ठीक है। अब जैसे बैंक निफ्टी का कुछ वक्त के बाद स्टार्ट होने वाला है, 1 महीने का ट्रायल, वो भी आपको डेफिनेटली मिलेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर, आज का ट्रेड क्या किस बेसिस पे था, देखिए मैं नॉर्मली ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेसिस्टेंस RSI ये सब चीज़ें यूज़ करता हूँ, और ये कोडिंग, ये कोड्स के बिना मैं ट्रेड नहीं कर सकता, मैं लेवल्स बना ही नहीं सकता अपने, इसके बिना मेरा काम अधूरा है, ठीक है। तो देखिए आज का सिस्टम में क्या है, आज मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ ही नहीं किया है, आज ट्रेंड लाइन की ज़रूरत ही नहीं है। आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने है, और ये भी मैं यूज़ करता हूँ, ये मेरा MT4 है, इसके बिना भी फिर वही चीज़ है ना, मैं बहुत सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ, सिर्फ एक सिस्टम के भरोसे में नहीं रह सकता, मैं हर जगह से कंफर्म करता रहता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाया है, और आज का सिस्टम बहुत ईजी, बहुत बढ़िया था, बहुत स्मूथ चल रहा है, ठीक है। तो आज देखिए यहाँ पे हमने क्रूड सेल पोजिशन बनाई थी, सेल पोजिशन बनाने के बाद क्रूड को ऑब्वियसली मैं ये सपोर्ट का टारगेट लेके चल रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने क्रूड ऑयल सेल कराया है 3012 पे, मैंने टारगेट 87 का दिया था 25 पॉइंट, कि भाई 25 पॉइंट ट्रिगर हो जाए, स्टॉप लॉस भी 25 पॉइंट का दिया था, खुद भी किया था मैंने, डाला यहाँ पे रेसिस्टेंस के पास, एग्जीक्यूट हुआ और ये सपोर्ट के करीब आया और मुझे एग्जिट करना पड़ा। मुझे लगा 25 पॉइंट दे जाएगा, लेकिन ये बहुत देर तक यहाँ पे सस्टेन करा, ये पलट रहा था, तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना पड़ा। उसके बाद देखिए मार्केट पलटा है, इस रेसिस्टेंस तक टच किया, थोड़ा सा स्पाइक भी दिया इसने, लेकिन यहाँ से रिट्रेस होकर नीचे भी आ रखा है, इवन ये यहाँ तक आया था अभी मैंने देखा था, अगर मैं टाइम फ्रेम छोटा करूँ तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए इस रेसिस्टेंस, अभी टाइम फ्रेम छोटा हो गया है, यहाँ से देखिए यहाँ तक पलटा हुआ है, फिर रिवर्स हुआ है, लेकिन 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी भी ट्रेडर को, एटलीस्ट भी तो 30 मिनट्स होना चाहिए, ठीक है। और 1 आवर का मैंने लगाया हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, कभी कभी कम चीज़ें यूज़ करके जब आप एनालिसिस करेंगे तो भी मार्केट बहुत स्मूथली आपको रिटर्न दे जाता है। ज़रूरी नहीं है आपको ट्रेंड लाइन भी खींचना है, आज आप RSI भी लगाएंगे, विलियम परसेंट आर भी देखेंगे, ठीक है, और पैटर्न्स बनाएंगे, ट्रायंगुलर पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, है ना, ऐसी हर चीज़ की ज़रूरत हर बार नहीं होती है, कभी कभी 2-3 सिंपल चीज़, और ये कोडिंग के बिना तो भाई मैं अधूरा हूँ, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप बहुत सिंपल रखिए अपने एनालिसिस को, और आपका जो एनालिसिस है, सुबह मार्केट 9 बजे खुलता है,
कोशिश करिए 8:50 तक आप अपनी ड्राइंग वगैरह बना के रेडी रखें। आपके पास लेवल्स रेडी होने चाहिए कि यहाँ पे आएगा तो मैं सेल करूँगा, यहाँ पे आएगा तो मैं बाय करूँगा, और मेरे पास ये कोडिंग्स के सपोर्ट रेसिस्टेंस ये हैं, मैंने ये देख लिया, सब चीज़ देख लिया, मार्केट खुलने का वेट करिए, खुलने के बाद आपका ट्रेड डाल दीजिए, और इकोनॉमिक कैलेंडर को आप देख के प्रिपेयर रहिए कि कितने बजे क्या डाटा है। और मैं कुछ और आपको ट्रिक्स बता देता हूँ। नॉर्मली 1:30 बजे और 2 बजे अगर आप कॉपर में ट्रेडिंग करते हैं तो 1:30 बजे और 2 बजे बहुत अलर्ट रहना आपका ज़रूरी है, क्योंकि 1:30 बजे 2 बजे कुछ ऐसे जैसे आप क्रूड की इन्वेंट्री समझते हैं ना, वैसे कॉपर के लिए से रिलेटेड, बेस मेटल से रिलेटेड भी कुछ डाटाज रिलीज होते हैं जो एक सर्टन मूवमेंट देते हैं हमारे कॉपर के ऊपर और जिंक के ऊपर, लीड के ऊपर भी आप कह सकते हैं। तो आप 1:30 बजे 2 बजे थोड़ा अलर्ट रहा करिए बेस मेटल्स में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आपकी एंट्री सुबह के 10 बजे के आसपास हो गए हैं, तो 12:30 बजे और 1:30 बजे के आसपास आपका टारगेट के आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अलाइज ब्लू में अकाउंट खोल रहे हैं मेरे अंडर, तो आपको मेल के थ्रू ही सब अपडेट मिलेगा। मैं वेबिनार भी कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने अभी जो संडे गया है, परसों मैंने वेबिनार भी किया है, इस संडे को मैंने वेबिनार भी किया था, ऑनलाइन वेबिनार था और कोई चार्जेस नहीं है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं आने वाले वक्त में बिना किसी कॉस्ट के सब चीज़ सिखाने पे लग जाऊँ, आप लोगों को अवेयर करता चलूँ, सिखाता चलूँ, समझाता चलूँ, ठीक है ना। आप बस अपडेटेड रहिए, कनेक्टेड रहिए, हम दोनों का कनेक्ट होने का एक ही तरीका है। अब जैसे ही अलाइज ब्लू में अकाउंट खोलेंगे, आपका जो मेल आईडी है और जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मेरे पास आ जाएगा, तो मेरे तरफ से कुछ भी नया एक्शन होने वाला होगा इन एजुकेशनल पर्पज कुछ भी, तो वो आपको मेल पे और SMS के थ्रू मिल जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ अकाउंट खोल के रखिए, क्योंकि आने वाले वक्त में मैं इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाने वाला हूँ ना, शायद मैं कोई भी चार्जेस नहीं रखूंगा किसी भी चीज़ के, ठीक है। तो बस यही चीज़ें मुझे सिखाना था, समझाना था। अपने ट्रेडिंग के एनालिसिस को सिंपल रखने की कोशिश करिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो अब क्या होता है कॉम्प्लिकेटेड करने से, मान लीजिए सपोर्ट रेसिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे सेल बन रहा है, अभी आप यहाँ पे MACD लगा देंगे तो यहाँ पे आपका बाय बन जाएगा, फिर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे मैं बाय करूँ या सेल करूँ। तो देखिए 10 चीज़ें एक टाइम पे यूज़ मत करिए, ठीक है। अलग अलग चीज़ अलग अलग तरीके से यूज़ करेंगे तो फिर आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। अब जैसे मैं एनालिस्ट हूँ, आप भी एनालिस्ट हैं, ज़रूरी नहीं है आपका एनालिसिस बाय बता रहा है तो मेरा भी बाय बताए, हो सके मेरा सेल बता रहा है और आपका बाय बता रहा है, और अगर मेरा SL हो जाता तो इसका मतलब ये भी नहीं निकलता कि मैं बुरा एनालिस्ट हूँ। सबका अपना अपना डिफरेंट व्यूज़, डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट एनालिसिस होती है, ठीक है। तो हम एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते, सबका अपना अपना तरीका है, ठीक है। तो मेरा बस यही कहना है, ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने एनालिसिस को बहुत सिंपल रखिए, बहुत सिंपल रखिए, मैं बता रहा हूँ। और हाँ, बुक्स पढ़िए, अगर आपने अकाउंट खुलवा लिया है तो आपको डेफिनेटली PDF के बुक्स मिले होंगे, आप उसको पढ़िए और देखिए कि ट्रेडिंग कितना सिंपल हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। जिसे आपको समझ में नहीं आता है कि आज मैं ट्रेंड लाइन यूज़ करूँ या फिर मैं आज इंडिकेटर यूज़ करूँ या फिर मैं वो यूज़ करूँ, मैं सपोर्ट रेसिस्ट, आपको ये चीज़ समझ में नहीं है, समझ में उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि आपको कब क्या चीज़ का यूटिलाइज करना है ना, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अकाउंट खुलवा लीजिएगा, और मेरा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है उसके लिए, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, और अकाउंट खुलवा लीजिए, मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। चलो जी, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।